विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में जहां हजारों श्रद्धालु दर्शनों को पहुंच रहे हैं, तो वहीं केदारनाथ धाम में रात्रि के समय भी कड़ाके की ठंड में भी संबंधित विभाग के अधिकारी और श्रमिक निर्माण कार्यों को पूरा करने में लगे हैं। आपको बता दें कि 2013 में आई भीषण आपदा ने केदारनाथ धाम में भारी तबाही मचाई थी। उसके बाद फिर से धाम में पुनर्निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर किया गया है, जो कि अभी भी गतिमान है। हम आपको केदारनाथ धाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों और -0 डिग्री तापमान और कड़ाके की ठंड में भी कैसे मजदूर मेहनत कर रहे हैं। इनके जज्बे को हर कोई सलाम करता है। बताया जा रहा है कि शीतकाल में धाम में बर्फबारी होने से कार्य नहीं हो सकते हैं, इसलिए समय रहते निर्माण कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य लेकर कार्य को किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। कैसा अब ये है कि ये काम निपटाना भी है इस सीजन में, इसलिए थोड़ा टेम्परेचर अभी काम करने लायक है, इसे कर रहे हैं। अगर और कम होगा टेम्परेचर तो बंद कर देंगे। अभी कब तक ये पुल का निर्माण हो पाएगा? ये तो हो जाना चाहिए था तक, लेकिन बीच में आपदा आ गई थी, इसको हम लेट हो गए हैं। ये हम अभी एक दिवाली तक कम्प्लीट कर देंगे।